दोस्तों, क्या आपके गूगल पे में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है जब आप अपने बैंक अकाउंट को ऐड करते हैं? अगर आपके पास गूगल पे के अंदर इस तरीके से दिक्कत आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं हो रहा है, या आप अपने बैंक अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं, आपका बैंक अकाउंट अनएक्टिवेट हो गया है, तो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आ रहा है तो इसे आप कैसे सही करेंगे, वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जैसा कि आप पे देख पा रहे होंगे, हमारे सामने आ चुका है कुड नॉट रजिस्टर और यहाँ पर आ चुका है समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन। अगर हम रिट्री पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास बार बार यही प्रॉब्लम आता रहता है। तो सबसे पहले आप यहाँ से बैक आ जाइए, हमारे पास ये स्क्रीनशॉट है और हम इसे बैक करते हैं। बैक करने के बाद आपको दिखाते हैं कि मैंने अपने गूगल पे के अंदर अपना बैंक अकाउंट ऐड कर लिया है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना गूगल पे ओपन करेंगे। जैसे हम गूगल पे को ओपन करेंगे, अभी आपको दिखाते हैं जो हमारा गूगल पे है वो अब अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ से बैक आ जाएंगे, एस कर देंगे और यहां से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद अपने बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, यानी कि अकाउंट पर, और यहां पर देखेंगे हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है और यहां पर देखेंगे हमारा बैंक अकाउंट लिंक हो चुका है। तो आखिरकार अपने गूगल पे के अंदर इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपके पास ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कुड नॉट रजिस्टर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहां से आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद अपने गूगल पे पर आप आ जाइए। आने के बाद आपको बता दें कि सबसे पहले आपके मोबाइल नंबर पर कम से कम अनलिमिटेड का रिचार्ज होना चाहिए, यानी कि आपके मोबाइल नंबर पर SMS पैक होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो पाता है। तो आपको याद रखना होगा कि आपके मोबाइल नंबर पर रिचार्ज होना चाहिए, उसके बाद आपके सामने ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास फिर भी आपके पास ये प्रॉब्लम आती है तो आपको एक यहाँ पर सेटिंग करना होगा। यहाँ से आपको बैक आना होगा। बैक आने के बाद जाना होगा अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना होगा और टाइप करना होगा गूगल और उसके बाद पे। जैसे आप गूगल पे टाइप करेंगे, सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद आपके सामने आ जाएगा गूगल पे। अब आप इस पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर देखना होगा कि आपके गूगल पे में अगर आपको अपडेट मिला है तो सबसे पहले आप गूगल पे को अपडेट कर लीजिए, उसके बाद बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और अब आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा और आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अभी भी बैंक अकाउंट एक्टिवेट ना हो तो आपको गूगल पे को डिलीट करना होगा। यहां से आप इसे डिलीट कर दें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेटेस्ट वर्जन का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना होगा या आप प्ले स्टोर से एक लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको अपने गूगल पे को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद यहां पर आपको मिलेगा बैंक अकाउंट, यानी कि आपका विकल्प आपका अकाउंट का। अब आप इस पर क्लिक कर दें और जहां पर भी आपका बैंक हो, जैसे हमारा ये बैंक है, यहां पर आपका इनएक्टिव होगा तो अपने बैंक पर क्लिक कर दें। तो यहां पर आपको एक्टिवेट करने का ऑप्शन मिलेगा नीचे, या आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा यानी कि रिमूव करने का। तो यहां पर हमें सब मिल चुका है रिमूव, हम इस पर क्लिक करेंगे और रिमूव अकाउंट पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। तो अभी आपको देखने को मिलेगा हमारा बैंक अकाउंट यहां से हट जाएगा, और जब हमारा बैंक अकाउंट यहां से हट जाएगा तो फिर से हम इसे लिंक कर सकते हैं, कोई भी हमें परेशानी नहीं मिलेगी। तो हम यहां पर फिर से अपने बैंक को लिंक करेंगे, तो ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे और हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद एक SMS सेंड होगा और आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा और उसके बाद आपका जो UPI होगा वो आपका यहाँ पर बन जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलने वाला है और आपका अकाउंट फाइंडिंग होगा और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि हमारा सक्सेसफुल अकाउंट ऐड हो गया है। तो इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कनेक्शन यानी कि आपके सामने रेटरी या आपके सामने इरोर का प्रॉब्लम आ जाता है तो इस तरीके से सही हो जाएगा। लेकिन आपको एक और बता देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि आपके जो बैंक अकाउंट है इसमें आपका सर्वर डाउन हो जाता है। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो हमारे बैंक में कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बैंक यहाँ पर लिंक नहीं हो पाता है। तो इस बात को याद रखना होगा, अगर आपके बैंक में सर्वर डाउन चल रहे होंगे तो आपको 1 घंटे या 2 घंटे का इंतजार करना होगा और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट यहां पर लिंक हो जाएगा, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी। फिर आप कहीं पर भी पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, पैसे को ले पाएंगे, पैसे भेज पाएंगे, मोबाइल रिचार्ज कर पाएंगे, बिजली का बिल जमा कर पाएंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी। अगर आपको फिर भी मिलते हैं तो आपको एक बार अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करना होगा, यानी कि आपको अपने मोबाइल फोन को बंद करना होगा। बंद करने के बाद फिर आप उसे चालू कर लें और फिर आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फिर भी सही ना हो तो आपको एक काम और करना होगा, फिर आपको अपने जाना होगा बैंक में। बैंक में आपको बताना होगा कि हमारा बैंक अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल नंबर को फिर से अपडेट कराना होगा अपने बैंक नंबर पर, यानी कि बैंक अकाउंट में। आपका मोबाइल नंबर हो सकता है कि आपका चेंज हो गया हो या सही से लिंक ना हो, तो आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना होगा बैंक में जाकर अपने अकाउंट नंबर में, और फिर आपका सारा प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो मैं आशा करूंगा आज का वीडियो देखने के बाद आप जान गए होंगे, सीख गए होंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।